डियर फ्रेंड्स, आज टेट टीजीटी साइंस का पेपर जिसका कोड है बी, हम उसके आंसर की देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 91 देखिए। ये कहता है कि इफ़ दी कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड इज 0.5, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच एन ऑटोमोबाइल कैन बी स्टॉप्ड व्हेन ट्रेवलिंग एट 108 किलोमीटर पर आवर इज। इसका आंसर होगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, 90 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 92 का प्रश्न देखिए। ये कह रहा है कि विनेगर ऑन रिएक्शन विद बेकिंग सोडा प्रोड्यूसेस ए गैस विच व्हेन पास्ड इनटू लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की, द मिल्कीनेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। फ्रेंड्स 92 के प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर 2, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये 3 वाला नहीं होगा, ऑप्शन 2 कैल्शियम कार्बोनेट। प्रश्न नंबर 93 देखिए, साल्ट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड इज, इसका आंसर होगा 93 का ऑप्शन नंबर 2, 0.9 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। 94 का प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, या हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। 94 का जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, टूटोनिम्स आर नॉट अलाउड इन प्लांट्स, टूटोनिम्स आर नॉट अलाउड इन प्लांट्स, यह आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 95 देखिए, डेवोनियन पीरियड इज ऑल्सो नोन एज, 95 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गोल्डन एज ऑफ फिशेज। गोल्डन एज ऑफ फिशेज को कहेंगे हम डेवोनियन पीरियड। अब देखिए 96 का प्रश्न, ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम सेकेंड आर एक्सेप्टेड बाई, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, साइटोक्रोम बी। 97 का देखिए, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का पूछ रखा है इन्होंने। 97 का प्रश्न, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4, ये ठीक होंगी। स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट 2 ठीक है और स्टेटमेंट 4, तो इस तरह इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नाइन्टी एट के प्रश्न में इन्होंने पूछ रखा है, हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वराइटीज ऑफ वहीट इंट्रोड्यूस्ड इन वहीट ग्रोइंग बेल्ट ऑफ इंडिया इन 1963, 1963 का पूछ रखा है इन्होंने, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नोरिन 10 एंड सोनोरा 64। प्रश्न नंबर 99 देखिए, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंडोपैरासाइट ऑफ ब्लड एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन ह्यूमन, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस। नेक्स्ट देखिए 100 का प्रश्न, विच एंजाइम स्पेसिफिकली अकर्स इन हेटरोसिस्ट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल होगा ऑप्शन नंबर 1, नाइट्रोजिनेज। 101 का प्रश्न देखिए, ए सिस्टम अंडरगोज ए चेंज इन विच द वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल्स द डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, द सिस्टम मस्ट हैव अंडरगोन एन, फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 101 के प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3, एडियाबेटिक चेंज। प्रश्न नंबर 102 देखिए फ्रेंड्स, 102 ये कह रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट कीजिए, यहाँ इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये कह रहा है कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल वाज शिप, ये गलत है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल वाज शिप, ये इसका गलत होगा और यही हमें आंसर करना है। 102 के प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1। 103 का प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एच एंड द रेंज आर इज, रिलेशन पूछ रखी है 103 के प्रश्न की, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आर इज इक्वल टू 4 एच कोट थीटा, कोट टेंजेंट थीटा।
ऑप्शन नंबर टू आर इज इक्वल टू 4H cot θ। प्रश्न नंबर 104 देखिए, द सिल्क फाइबर इज प्राइमरली मेड अप ऑफ, फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड प्रोटीन। सिल्क फाइबर प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब आप प्रश्न नंबर 105 देखिए, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैसेज, फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंक्रीजेज। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द गैसेज, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंक्रीजेज। प्रश्न नंबर 106 देखिए, सिलेक्ट द राइट स्टेटमेंट, हमें राइट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कैल्शियम इज द मिनरल न्यूट्रिएंट मेनली कंसर्निंग विद एपिकल मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी। 106 के प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 107 का प्रश्न देखिए, द फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशंस, 107 के प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार मोमेंटम एंड प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। प्रश्न नंबर फ्रेंड्स 108 देखिए, ये कह रहा है कि मैच करनी हमें लिस्ट, फर्स्ट में नेम ऑफ एसिड है और लिस्ट सेकंड में सोर्स है उसका, हमें इनको मैच करना है। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, 108 के प्रश्न का ऑप्शन नंबर फोर आंसर होगा। इससे क्या हुआ कि ए को मिलाएंगे हम दो से, मीन्स लैक्टिक एसिड होगा कर्ड में, ऑक्जेलिक एसिड होगा स्पिनाच में, एस्कॉर्बिक एसिड होगा इंडियन गूजबेरी में और मैलिक एसिड होगा एप्पल में। तो इस तरह इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर फोर। 109 का प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द मेगास्पोरेंजियम, या कह ले मेगास्पोरेंजियम, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हाइलम। 110 का देखिए, इफ ए सॉलिड स्फीयर डिस्क एंड होलो सिलेंडर आर अलाउड टू रोल डाउन ऑन एन इंक्लीन्ड प्लेन फ्रॉम द सेम हाइट, देन विच वन ऑफ दीज विल रीच द बॉटम फर्स्ट। फ्रेंड्स 110 के प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सॉलिड स्फीयर। 111 का प्रश्न देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, क्या सही नहीं है ये बताना हमें। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड, 111 के प्रश्न का ऑप्शन नंबर थर्ड, एबसेंस ऑफ ADH रिजल्ट इन ओलिगोयूरिया, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 112 का, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू अनथ पावर ऑफ इट्स मास, हियर अन इज, फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार जीरो। फाइंड आउट राइट डेवलपिंग सेक्वेंस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक BCDA, मींस पहले बी में बी वाला आएगा, टू सेल स्टेज आएगी पहले, फिर आएगा ब्लास्टुला, फिर आएगा हार्ट शेप्ड स्टेज एंड लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो। प्रश्न नंबर 114 देखिए, ये कह रहा है कि सेलेक्ट दी फॉल्स स्टेटमेंट, हमें फॉल्स स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजी इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी, ये न्यूरोलॉजी की जगह कार्डियोलॉजी आना था, तो इस तरह ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हुआ और यही हमें बताना था। प्रश्न नंबर 115 देखिए, ए सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग सेल टू गिव ए गैस विच वहन डिजोल्व इन वाटर मेक इट एसिडिक, द सोल्यूशन कंटेन्स, 115 का जो प्रश्न है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू HCl। 116 का प्रश्न देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू नॉट हैव मैडरेपोराइट, फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 115 के प्रश्न का ऑप्शन नंबर थ्री क्रिनोडिया। 117 का प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज नॉट कंटेन एसिड, फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू कार्बोहाइड्रेट। 118 का प्रश्न देखिए, ये कहता है कि सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें सिलेक्ट करनी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन फ्रॉग आर 24, ये 10 पेयर होते हैं इसमें, मींस 20 नर्व्स होती हैं फ्रॉग में, यहाँ दे रखा 24, तो इसी वजह से ये रॉन्ग हुआ। 118 का प्रश्न आंसर इज ऑप्शन नंबर टू। 119 का प्रश्न देखिए, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ
आंसर इज फोर्थ न्यूक्लियोटाइड। 120 का प्रश्न देखिए, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज आर यूजफुल फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। 120 के प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑप्शंस आर राइट, मीन्स सभी जो ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3 ये सही है। 121 का प्रश्न देखिए, फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी हमें 21 के प्रश्न, 121 के प्रश्न की। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, ऑल स्टेटमेंट आज करेक्ट। ये जो 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं 121 के प्रश्न की, तो इस वजह से ऑप्शन 4 आंसर हुआ 121 के प्रश्न का। 122 का प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना हमें, फर्स्ट जो ऑप्शन है जाइलम फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज बास्ट फाइबर्स, ये उत्तर है इसका, क्योंकि फ्लोइंग फाइबर्स कहते हैं बास्ट फाइबर, जाइलम को नहीं कहते। तो इस तरह 122 के प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास 123 का प्रश्न, वोल्फियन रीजनरेशन इज फाउंड इन। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यूरोडेला। यूरोडेला में वोल्फिन रीजनरेशन होती है। 124 का प्रश्न देखिए, ये कह रहा है कि नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड आर सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली ड्यूरिंग प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 124 का। 125 का देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और फिर कह रहा है नाउ सेलेक्ट मोस्ट करेक्ट आंसर। मोस्ट करेक्ट आंसर हमें सिलेक्ट करना है 125 के प्रश्न का। फ्रेंड्स 125 के प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ओनली स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। यहाँ स्टेटमेंट 3 दे रखी है इन्होंने, तो स्टेटमेंट ए एंड बी करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है 125 के प्रश्न का। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 126 का प्रश्न देखिए, स्टूडेंट ए पुट्स आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हाइल द अदर स्टूडेंट्स बी पुट्स कॉपर पीसेस इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। द ऑब्जर्वेशंस दैट सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन फ्रॉम ब्लू कलर इज रिपोर्टेड इन। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्टूडेंट ए। प्रश्न नंबर 127 देखिए, ये कह रहा है कि व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग केमिकली। दिस ग्रीन मटीरियल इज ए मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर होगा ये पूछ रखा है 127 के प्रश्न का। फ्रेंड्स यहाँ 127 का जो प्रश्न है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 128 देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एंड नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 128 के प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3, मरकरी एंड ब्रोमीन। 129 का देखिए आप, बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड अपॉन। 129 के प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डायोड डिजाइन। 130 का प्रश्न देखिए, टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट्स बाई डूइंग ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। 130 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक्सपेक्टिंग परफेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट व्हाइल दे आर ट्राइंग टू डू थिंग्स बाई देमसेल्व्स। 130 के प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। 131 का प्रश्न देखिए, द टोटल फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज एफ, इफ इट इज प्लेस्ड इन वाटर इट्स फोकल लेंथ विल बी। मिरर की फोकल लेंथ डिपेंड नहीं करती मीडियम पर, तो इसी तरह 131 के प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4, एफ, फोकल लेंथ एफ ही रहेगी। 132 का प्रश्न देखिए, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ सॉलिड ऑफ साइड ए इफ ए पॉइंट चार्ज ऑफ क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। 132 के प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 133 के प्रश्न का आंसर देखिए फ्रेंड्स,
टू कोहरेंट लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी आई एंड फोर आई प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस पैटर्न. द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द फेज डिफरेंस इज टू पाई विल बी. फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 9i. ठीक है. 134 का प्रश्न देखिए. द मोस्ट अबुंडेंट प्रोटीन इन अर्थ ऑन अर्थ सरफेस. फ्रेंड्स ये होगा ऑप्शन नंबर टू रूबिस्को. 134 के प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू रूबिस्को. 135 का प्रश्न देखिए. हमें ये पॉलीमर है एक साइड और दूसरी साइड है मोनोमर, इनको हमें मैच करना है. फ्रेंड्स 135 का प्रश्न है इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर. मीन्स हम ए को दो से मिलाएंगे, बुना एन को हम मिलाएंगे दो से, मतलब ब्यूटाडाइन एंड एक्राइलोनाइट्राइल मोनोमर हुए बुना एन के, और बी को हम मिलाएंगे चार से, टेफ्लोन के मोनोमर हुए टेट्राफ्लोरोइथेन, और सी को मिलाएंगे तीन से, डेक्रोन के हुए इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिप्थेलिक एसिड, और लास्ट में डी को मिलाएंगे हम फर्स्ट से, नाइलोन 6,6 हेक्सा मिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड इसके मोनोमर होंगे. इसी तरह 135 के प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट. फ्रेंड्स 136 के प्रश्न का आंसर देखिए. डोपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स. फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार. फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए. ऑप्शन नंबर चार, डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, डोपलर शिफ्ट. 136 के प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर चार. 137 का प्रश्न देखिए. फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयरिंग ऑफ ग्रुप थ्री इन एमिनो एसिड कैटेगरी. एमिनो एसिड जो भी ये तीन यहाँ दे रखे हैं एंजाइम्स हैं या एमिनो एसिड, उन्हें हमें बताना है कि ये करेक्ट हैं या नहीं है. 137 का जो प्रश्न है फ्रेंड्स उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रेनिन हेलिकेज हाइड्रो हाइलोनोरिडेज, ये तीनों एंजाइम होंगे. हमें करेक्ट बताना था बस यहाँ एंजाइम है या हार्मोन है, इनमें से कौन से करेक्ट हैं, तो यहाँ एंजाइम हैं ये तीनों, तो इस तरह ऑप्शन थ्री करेक्ट हुआ. अब फ्रेंड्स देखिए 138 का प्रश्न, लाइकन्स आर द मेजर पॉल्यूशन इंडिकेटर ऑफ. इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड. 139 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ C4 प्लांट्स. यहाँ ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दो दे रखा है मेज, यही इसका एग्जांपल होगा, यही इसका आंसर होगा 139 के प्रश्न का ऑप्शन नंबर टू मेज. 140 का फ्रेंड्स हमने किया नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर लीजिएगा. 141 का देखिए, माइकोप्लाज्मा आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन प्रोकैरियोट्स बाय. 141 के प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इटसेल्फ. माइकोप्लाज्मा आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोकैरियोट्स बाय, आंसर इज ऑप्शन नंबर चार, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल्स इटसेल्फ. 142 का प्रश्न देखिए, माइलोमा रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर. फ्रेंड्स जब माइलोमा को सिर्फ माइलोमा यूज़ करेंगे हम तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बोन कैंसर, बोन मैरो में होता है. लेकिन अगर मल्टीपल माइलोमा देखा जाए तो फिर ये ब्लड कैंसर कैटेगरी में आएगा, तो इस तरह यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न है. 142 में ऑप्शन नंबर वन एंड थर्ड में. एक सौ 143 का प्रश्न देखिए फ्रेंड्स आप, ये कह रहा है व्हेन द लाइट सोर्स इज कैप्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए फोटो सेल स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.6 वोल्ट. व्हेन सोर्स इज कैप्ड 40 सेंटीमीटर अवे द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी. फ्रेंड्स 143 का जो प्रश्न है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2.6 वोल्ट. नेक्स्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड्स 144 का प्रश्न देखिए. यहाँ पर ये लिस्ट है नेम ऑफ पॉलीमर और फिर है उसका यूजेज.
ये हमें मिलानी है 144 का, तो 144 में आंसर हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए को मिलाएंगे हम फर्स्ट से, ए को मिलाएंगे हम फर्स्ट से, पॉलीस्टायरीन को का यूजेज होगा फॉर मेकिंग कॉम्स एंड कंप्यूटर डिस्क, बी को मिलाएंगे थर्ड से, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का यूजेज होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेनकोट्स एंड विनाइल फ्लोरिंग फ्लोरिंग, सी को मिलाएंगे हम चार से, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का होगा फॉर मेकिंग एन अनब्रेकेबल कप्स एंड लेमिनेटेड शीट्स, डी को हम मिलाएंगे टू से, बैकलाइट का यूज़ होगा एज इंसुलेटर रैपिंग मटीरियल एंड टेलीविजन कैबिनेट्स। तो मीन्स 144 के प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 145 का देखिए, नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड इन रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके दिखा रखा है, एक बार फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 145 के प्रश्न में यहाँ दिखा रखा है 90, 200 और 8168 रेस्पेक्टिवली, यहाँ अल्फा बीटा पार्टिकल्स बताने हमें, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड 8 एंड 6। यहाँ देखिए फ्रेंड्स 146 के प्रश्न में मेबोविन ग्लैंड्स आर फाउंड इन, 146 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आई लैसिस। 147 का देखिए आप, 147 का प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिक नोट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा नहीं ये बताना हमें फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड पॉलीमिथाइल मेथैक्राइलेट, इसका आंसर होगा 147 के प्रश्न का ऑप्शन नंबर थर्ड, ये थर्मोसेटिंग की जगह थर्मोप्लास्टिक होगा। 148 का प्रश्न देखिए, फंक्शनल मेसोनेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, 148 के प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू अडल्ट ऑफ फिशेस। 149 का देखिए, इन प्लांट्स द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू सीड इज नोन एज, फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू एपोमिक्सिस। 150 का देखिए, द लेटरल रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम, फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पेरिसाइकल। फ्रेंड्स यहाँ हमने अनऑफिशियल आंसर की डिस्कस की हैं, आप इनको मिलाइए और कमेंट्स में अपने दीजिए। थैंक यू।